हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रजत साधवानी एंड यू आर वाचिंग फिट टॉक। तो दोस्तों, जो मैं आज आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ उसके अंदर वेजिटेरियन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद की चीज है। वह वीडियो स्पेशली वेजिटेरियन लोगों के लिए मैंने बनाई है, क्योंकि वेजिटेरियन लोगों के पास प्रोटीन के लिए बहुत ही कम सोर्स होते हैं। बट जो मैं आज आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ वो सब जानते हैं कि वो क्या चीज है, लेकिन मैं आज उसके बारे में आपको डिटेल रिव्यू दूंगा ताकि आप उसे अच्छे से जान सके, फिर आपको लगेगा कि क्यों हमें इसे अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ स्प्राउट्स के बारे में। जो भी लोग वेजिटेरियन डाइट लेते हैं वो अपनी डाइट में स्प्राउट्स को जरूर ऐड करते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आपको मैं स्प्राउट्स से रिलेटेड डीपली नॉलेज दे सकूं। और इस वीडियो में मैं आपसे जिस स्प्राउट के बारे में बात करने वाला हूं वो है मूंग स्प्राउट्स, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा स्प्राउट्स जो यूज होते हैं वो मूंग है, इसलिए मैंने इसी के बारे में वीडियो बनाया है और इसी के बारे में आपको पूरी डिटेल दूंगा। वैसे देखा जाए तो स्प्राउट्स तो और भी कई तरीके के आते हैं, जैसे हम स्प्राउट्स में मूंग यूज करते हैं वैसे सोयाबीन यूज कर सकते हैं, लेंटिल्स यूज करें, इसमें से जो अंदर से फूट कर ग्रास निकलता है उसे ही हम स्प्राउट्स कहते हैं। बट इस वीडियो में मैंने मूंग स्प्राउट्स पे फोकस किया है क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में सबसे ज्यादा ये यूज हो रहा है आज के टाइम पे। अब स्प्राउट्स है क्या? जिसके अंदर से अगर आपका ग्रास निकल के आ रहा है उसे हम स्प्राउट कहते हैं। स्प्राउट इज अ वेजिटेरियन फूड और यह एक कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, मतलब कि जिसके अंदर सारे के सारे एमिनो एसिड्स अवेलेबल हैं। अब हम बात करते हैं बीन्स स्प्राउट और उसके बेनिफिट्स की। सबसे पहले हम जानते हैं इसके अंदर के प्रोटीन के बारे में। तो दोस्तों, अगर हम प्रोटीन की बात करें तो अगर आप बीन स्प्राउट एक कप खाते हैं तो उसमें आपको 14 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, 12 ग्राम फाइबर मिलेगा और 28 ग्राम कार्ब मिलेगा, और इसके अंदर आपको फ्रेंड्स 180 कैलोरीज मिलेगी, और इसके अंदर जो फैट है वो ना के बराबर है। तो मतलब ये प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। इसके अंदर फाइबर भी है, इसके अंदर दोस्तों आयरन भी प्रेजेंट है। आयरन क्या करता है, वो आपके ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन को ट्रेवल करता है और जो इसका रिजल्ट है वो आपको वर्कआउट के टाइम पे मिलता है। ब्लड अगर ऑक्सीजन में अच्छे से ट्रेवल होगा तो आपको बहुत ही अच्छा पंप मिलेगा। इसमें विटामिन सी भी प्रेजेंट है, यह आपकी बॉडी में एज ए एंटीऑक्सीडेंट भी वर्क करता है और आपके इम्यूनिटी सिस्टम को भी बूस्ट करता है। मतलब प्रोटीन के अलावा भी इसके बहुत सारे फायदे हैं। अब इसे खाना कैसे है? आप स्प्राउट्स को सिंपली खा सकते हैं, नहीं तो सलाद बनाकर भी खा सकते हैं, और सिर्फ बॉडी बिल्डिंग में ही नहीं, अगर आप जिम नहीं जाते हैं तो भी यह आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, आप इसे अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। और सिर्फ मैंने मूंग दाल स्प्राउट्स के लिए वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि यह इजीली अवेलेबल हो जाता है और इसके बेनिफिट्स भी अच्छे हैं। इसके अलावा भी आप इसके साथ में सोया, काले चने ये सब ऐड करके भी इसको मिक्स करके आप स्प्राउट्स बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो स्प्राउट्स से रिलेटेड। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो यार इसे लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन है, उसे भी जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।